ये तो सबसे पहले आज हम लोग रिवर गोदावरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वेट, तो सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये हमारा तेलंगाना का मैप है। ये सारा आपको यहां से लेके यहां तक, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे तेलंगाना का मैप है। ये तो इस मैप में तेलंगाना में गोदावरी नदी कहाँ से आती और किधर से होते हुए क्रॉस करती, कितनी लंबी मसाफत तेलंगाना में गोदावरी रिवर तय करती, और उसका कैचमेंट एरिया क्या है, और उसके कितने बेसिन हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आप। ओके, सो सबसे पहले बेसिक ये है कि हमारे मुल्क में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बोल के एक वो है, एक मंसूबा है, जिसके तहत एक जो हमारी नदी नदियों की तहफुज, जो एक्सप्लॉयटेशन होता। सबसे पहले मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि नदी की अहमियत क्या है। तो हमारे मुल्क में जितने भी जिरात होती, अब जिरात की अहमियत तो आप समझते होंगे, हमारे इंडिया में 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर 60% लोगों को, 62% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी। शहर के रहने वाले हमारे जो साथी हैं, इन लोग इसका अंदाजा नहीं कर सकते, बट जो लोग विलेजेस में हैं, दे नो वेल दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज गिविंग 62% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन आर कंट्री। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड थिंग ये है कि जितनी एग्रीकल्चर है, वो उसका जो इरिगेशन होता, आबपाशी जिसको बोलते हैं, उसको जो पानी मिलता, मैक्सिमम रेन के जरिए मिलता, बारिश के जरिए मिलता, और वो बारिश का पानी जाता कहां पर, नदियों में जाता। तो नदियों की अहमियत ये है कि जिस रियासत में नदी रहती, वहां पर एग्रीकल्चर के नीड्स, जरूरियात पूरे होते, और वहां पर उसकी जीडीपी। अब तेलंगाना में भी अराउंड 60 to 70% तेलंगाना एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने वाला लोगों को एग्रीकल्चर है। तो तेलंगाना भी कोई आईटी आईटी में तो आगे है, लेकिन मैक्सिमम लेबर फोर्स जो है एग्रीकल्चर से ही है, ये बात याद रखिए। तो एग्रीकल्चर मुल्क में वर्कफोर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है, और एग्रीकल्चर के लिए रिवर जरूरी है। और सबसे नंबर 2 पे जो इंडिया में जो रिवर है, वो गोदावरी रिवर है। उसी रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है, रिवर सिस्टम इन तेलंगाना, तेलंगाना में नदियों का निजाम, ठीक है। तो रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रिवर में सबसे बड़ा क्या है, गोदावरी है। और वैसे तेलंगाना में कृष्णा भी है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ गोदावरी पे फोकस करने वाले हैं, इस बात को जहन में रखिए। तो मुल्क में वैसे सबसे जो बड़े नदियां हैं, पुराने जो, वो 38 हैं जो सबसे बड़े हैं, जिनको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत शामिल करके उनको, और मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना, उसमें से जो रेती होती वो रेती निकाल के नदियों को खत्म हो, नदियां खत्म हो जाते, और उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह होता, और उसमें कुछ फंडिंग करते करके जो है, उसमें से जो गंदगी लोग फेंकते रहते, जो अलग अलग तरीके की रहती है, उसको हटाने की कोशिश करते। तो इस नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, मतलब कौमी रिवर मतलब नदी है, कंजर्वेशन मतलब तहफुज है, तो नदियों के तहफुज का कौमी मंसूबा है ये। तो ये हमारे नेशनल स्कीम है। लेकिन अब कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड पोटामोलॉजी, यानी नदियों के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी आप जो करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पोटामोलॉजी बोलेंगे। और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लेक्स, लेक्स मतलब जैसा हुसैन सागर क्या है, एक लेक है, पॉन्ड मतलब और भी छोटा रहता, छोटे छोटे लेक मतलब तालाब बोलते, पॉन्ड मतलब बिल्कुल छोटे छोटे रहते, यानी आप छोटा जिसको क्या क्या बोलते हैं पॉन्ड को, उर्दू में कोई बोल सकते, ठीक है, लहरा हाँ सर, कुंटा कुंटा बोलते, देखिए नवाब साहब कुंटा, तो कुंटा है, कुंटा
जो थैंक यू सो मच हुआर इज सेड, तो जो तालाब और कुंटों के बारे में जो मुताला रहता है उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी, और जो रिवर्स का जो स्टडी रहता है उसको बोलते हैं पोटमोलॉजी, और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। ये बात याद रखिए, ये आपको बाद में बहुत काम में आएगा जब आप अपना मुताला करते रहेंगे। जैसे जैसे आप तेलंगाना में रिवर्स पे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसके बारे में जैसा जैसा आप स्टडी करते हैं आपको मालूम होता। तो हाइड्रोलॉजी वाटर की स्टडी का नाम है, और तालाब और कुंटों के मुताले को बोलते हैं लिम्नोलॉजी, और पोटमोलॉजी बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिवर्स को। तो और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि वर्ल्ड रिवर्स डे कब मनाया जाता, 4th संडे ऑफ सितंबर, सितंबर का चौथा इतवार को जो है हम लोग वर्ल्ड रिवर्स डे, ये आ जाते कभी कभी एमसीक्यू में जनरल क्वेश्चंस के तहत। और वर्ल्ड वाटर डे यूएनओ की तरफ से मनाया जाता, अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से, बैनल अक्वामी योमे मतलब पानी का आलमी दिन 22 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बस इससे ज्यादा तो मैं, क्योंकि हम लोगों को अपना सब्जेक्ट गोदावरी पे जाना है तो वी विल फोकस ऑन इट। तो पेज नंबर 1 है ये, 28, 29, ओके ठीक है। अब क्या है, गिव मी, तो अब और एक चीज ये है कि द जनरल स्लोप ऑफ इंडिया इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब अब जैसा समझिए इंडिया का मैप है कि समथिंग लाइक, मेरे को तो मैप आता नहीं लेकिन समझिए एक मैप है, सॉरी ये तो मित्रा भी इतना खराब है वो, तो प्लीज म्यूट करिए। म्यूटेश कर रही हूँ मैं, प्लीज म्यूट करिए, ये डिस्टरबेंस हो रहा है बेकारी का, मैं सारे लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, कोई अनम्यूट कर रहे। ठीक है, तो जो स्लोप रहता हमारे इंडिया का जो मैप रहता, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब शुमाल मगरिब, यानी आपको ऐसा बिल्कुल इस क्रॉस से, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ऐसा इस क्रॉस से पानी बहता आमतौर पे। किधर से बहता, समझिए राजस्थान से, या सो राजस्थान से पानी बहता तो सीधा आपको तमिलनाडु की तरफ आता, इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट टू साउथ मतलब जुनूब मशरिक। ठीक है, शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की तरफ स्लोप है, सो रिवर्स फ्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, तो जैसा भी पानी बरसता वो नॉर्थ शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की तरफ पानी बहता, स्लोप बोलते हैं उसको। ठीक है, तो द ओरिजिनल पॉइंट फ्रॉम विच द रिवर्स फ्लो इज कॉल्ड सोर्स ऑफ द रिवर्स, तो जहां से नदी बहता, जहां से शुरुआत होती किसी भी नदी के पानी के बहने की, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ द रिवर या हेड वाटर बोलते हैं। ये याद रखिए, कोई जरूरी तो नहीं है बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि देर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितने नदियां हैं उसके दो कैटेगरीज से दो जुमरे हैं, फर्स्ट हिमालयन रिवर्स, दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स मतलब, एक मिनट, अगर कोई हिमालयन रिवर्स की अगर बात करे तो ये है, आपको बता दो तो। ये है हिमालयन रिवर्स आपके सामने है, यानी हिमालय के जो पहाड़ियों का जो क्या बोलते हैं वो, एक जो लाइन है वहां पर जो नदी बहती इंडस रिवर, उसके वो जो उसके आसपास कुछ नदियां हैं, उसके ट्रिब्यूटरीज है जो एक बड़ी नदी से निकल के छोटी छोटी, जैसा कि इंडस नदी है आपको दिख रहा वहां पर, ये मेरे पास वो नहीं है, ये इंडस है, ये झेलम है, रावी चिनाब सतलुज, ये है ना, ये क्या है, हिमालयन रिवर्स है। आई होप यू आर एबल टू सी द मैप, जी पहाड़ियों का सिलसिला, थैंक यू। तो हिमालयन रिवर्स ये सारी चीजें हैं जो इंडस रिवर के आसपास रहते। अब हम आ जाएंगे अपने सब्जेक्ट पे,
तो दूसरा क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स जो हमारे हैं, जैसा गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है और कावेरी नदी है, और भी बहुत सारे नदियां हैं हमारे मुल्क में, तो वो सारे नदियां पेनिनसुलर रिवर्स बोलते। और जो हिमालय के पहाड़ियों का जो सिलसिला है वहां पर जो नदियां बहते, जो कि अभी मैं मैप में बताया, उनको बोलते हिमालयन रिवर्स। तो अब क्या है, द मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू तेलंगाना आर, तेलंगाना में बहने वाली बड़ी नदियां गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा, मूसी, तुंगभद्रा। ये और इसमें क्या है, तुंगभद्रा एक अलग नदी है, मूसी जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी है, ठीक है। Among the major rivers, the Godavari basin is about 79% and Krishna basin is about 69%. तो गोदावरी का जो बेसिन है, जो फैलाव है, गोदावरी बेसिन का जो फैलाव है वो 79% है तेलंगाना में, और कृष्णा नदी का जो फैलाव है वो 69% है। तो जो वर्ड है बेसिन, इसको याद रखिए, बेसन नहीं बेसिन है ये, ठीक है। अब आप आइए, अब हम गोदावरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है, एम आई क्लियर यहां तक? बिल्कुल सिंपल और सादा नॉलेज है, ज्यादा कोई डीप नहीं है, लेकिन आई होप आई एम क्लियर। कोई मैसेज कर दीजिए। जी सर। खाली एक जने हैं, खाली थोड़ी सी हौसला अफजाई करिए हमारी। आप ऐसा लग रहा कि सिर्फ वन मैन शो हो रहा, और कभी भी क्लासरूम में क्या है, clear है सर। तो क्लासरूम में कभी भी क्या है कि अगर आप लोग इंटरैक्टिव रहेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। बट लेट मी टेल यू, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि इंटरैक्टिव रहिए, म्यूट करिए। तो अब गोदावरी रिवर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गोदावरी एरिया, और प्लीज आप म्यूट करिए, प्लीज दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को भी डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, प्लीज इसका ख्याल रखिए। मैं आपको 2 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर दीजिए। जैसे किर्र बोल के आवाज आ रही ना, पूरा दूसरों को भी डिस्टर्बेंस हो रहा, प्लीज देखिए। फिर कोई अनम्यूट, रईस भाई म्यूट करिए, अदरवाइज तो गोदावरी में जो है ना, गोदावरी बेसिन कितने, गोदावरी बेसिन जो जिसको बोलते हैं ना, फैलाव जिसको बोलते हैं, वो टोटल तेलंगाना का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो गोदावरी आता कहाँ से, महाराष्ट्र से बहता तेलंगाना में आता, तेलंगाना से आंध्रा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाता, तो उसकी बात पढ़ेंगे। तो ये टोटल 312,812 स्क्वायर किलोमीटर है, ये मतलब उसका फैलाव बता रहा हूं मैं, इतनी बड़ी नदी है गोदावरी की हमारे मुल्क में, और सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द कंट्री। पहली नदी जो बोलते हैं वो गंगा नदी है, दूसरी नदी जो जिसकी रकबे में सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी, फर्स्ट गंगा। अब आइए, गोदावरी रिवर इज मेंशन्ड इन पुराणास, हिंदुओं के मजहबी किताबों में इसका जिक्र है, जिसका नाम है तिल्लीवाहा रिवर। याद रखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ पोइट्स, यानी शायरों का की नदी है। इट इज क्यों बोलते हैं, इसका तो रीजन मेंशन नहीं है। इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। हाँ, मैं एक जगह ऐसा सुना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई शायरों ने गोदावरी नदी का जिक्र अपने शायरी में किया, तो इसीलिए रिवर ऑफ पोइट्स बोलते, ऐसा मैं कहीं सुना था, ठीक है। लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कैचमेंट एरिया एंड डिस्चार्ज। तो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, ठीक है, और हिमालयन रिवर्स में गंगा नदी सबसे बड़ी है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स, वैसे सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, लेकिन पेनिनसुलर जो तुंगभद्रा है, कृष्णा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोदावरी सबसे बड़ी है, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन को अच्छे से याद रखिए, सबसे बड़ी नदी क्या है, वो गंगा नदी है,
लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। सो ये जो फर्क है इसको अच्छी तरह से जहन में रखिए। लेंथ ऑफ गोदावरी इज 1465 किलोमीटर। अब आप सवाल पूछेंगे कि ऊपर बताए कि 312,812 किलोमीटर है, वो स्क्वायर किलोमीटर है और वो बेसिन है और ये लेंथ है। ये जो लेंथ रहता ना, जो महाराष्ट्र से शुरू होता और तेलंगाना में एंटर होता, तो जो रूट है, मुरब्बा में मत जाइए, चौकोनी का हिस्सा नहीं, लेंथ की बात बता रहा हूं। महाराष्ट्र से होते हुए, और ये देखिए अगर आपको मैप दिख रहा तो मैं आपको शो कर दूं, ये जो पीडीएफ है I'll show you। ये आपका महाराष्ट्र है, ये जो दिख रहा ना इंडिया का मैप है, ये महाराष्ट्र है, यहां से काली पट्टी दिख रही, ये बीच में तेलंगाना है, ये आंध्रा है बिल्कुल, और ये बे ऑफ बंगाल है, उसमें जाके मिल जा रहा। और जूम करूं क्या, ये है देखिए, ये महाराष्ट्र में शुरू हो रहा, ये जो ऊपर मार्क लगाया ये तेलंगाना है और ये आंध्रा है, ये बिल्कुल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, और ये बे ऑफ बंगाल समंदर है, उसमें जाके मिल जा रहा, ठीक है। जो हाँ बिल्कुल, लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है, नॉट स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिए इसको। ये फर्क कभी भी क्या है, कंफ्यूजन लोगों को बहुत होता, तो कंफ्यूजन नहीं रहना। तो ऊपर जो बताया गया वो बेसिन है, बेसिन मतलब बहुत नदियां खत्म हो जाती लेकिन उसकी बेसिन एक 50 किलोमीटर के बाद भी रहती, क्योंकि यहां पानी बहता लेकिन बीच में जमीन रहती, लेकिन उसका असर 50 किलोमीटर के बाद भी वहां के खेती बाड़ी, वहां के फसलों पे रहता, तो बेसिन बहुत बड़ा रहता। और ये क्या है, लेंथ है, ये जो महाराष्ट्र से शुरू हो रहा था, जो रूट है वो 1465 किलोमीटर का है। अब क्या है, इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, याद रखिए। तो महाराष्ट्र से शुरू हो रहा, तेलंगाना में एंटर हो रहा, और तेलंगाना में एक अच्छा खासा लेंथ है इसका, उसके बाद आंध्रा में कम है, कितना है। अब मैं बोल रहा हूं कैचमेंट, जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं ना उन लोगों को अच्छे से पता है कैच किसको बोलते, पकड़ाओ जिसको बोलते हैं ना, कैचमेंट मतलब पकड़ाओ को बोलते। तो कहां कहां तक पकड़े जाता, मतलब कहां तक इसका असर रहता, उस हिसाब से देखा जाए तो बहता तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा से, लेकिन उसका कैचमेंट जो है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, यहां पर कैचमेंट एरिया है, ठीक है। तो कितना है महाराष्ट्र में, 48%, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो तेलंगाना में है 18%, कर्नाटक में 1% डेढ़ है, छत्तीसगढ़ में 10% है, आंध्रा में उससे कम है, ठीक है। अब आइए, द स्टेट विथ हाईएस्ट कैचमेंट बेसिन इज महाराष्ट्र, तो यानी गोदावरी का जो असर रहता वो सबसे ज्यादा, फ्लो भी महाराष्ट्र में है, कैचमेंट भी महाराष्ट्र में है। अब क्या है गोदावरी रिवर, अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सैक्रेट पॉन्ड, मुकद्दस कुंटा से निकल रहा, इसका नाम क्या है, त्रयंबकेश्वर, ये एक टेम्पल है, और वो टेम्पल के पास जो पॉन्ड है वहां से गोदावरी नदी का मब्दा है। और ये कहां, ये टेम्पल ब्रह्मगिरी माउंटेन है, नियर नासिक, महाराष्ट्र का बहुत मशहूर शहर है नासिक, वेस्टर्न घाट मतलब मगरबी घाट जो रहते, जैसा आप, मैं आपको बताता हूं, ये इंडिया का मैप है, ये वेस्टर्न घाट रहते पहाड़ियों का सिलसिला, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। तो यहां पर वेस्टर्न घाट्स के पास यहां निकल रहा, तो वेस्टर्न घाट जिसको सह्याद्री माउंटेन्स भी बोलते, ठीक है, बता रहा देखिए, सह्याद्री, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है, महाराष्ट्र स्टेट में नासिक से निकलता है, कौन से टेम्पल के पास, त्रयंबकेश्वर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। द लेंथ ऑफ गोदावरी इन तेलंगाना, वैसे तो 1465 लेंथ है उसका टोटल,
लेकिन तेलंगाना में 560 किलोमीटर है, ठीक है। और आंध्रा और तेलंगाना में मिला के गोदावरी नदी का लेंथ 772 में माइनस अगर करके 560 करेंगे तो देखिए आप बताइए, आई एम वीक इन मैथ्स, कोई बताइए कितना आंध्रा में रहता, 772 में 560 हटा दिए कितना रहता। माशाल्लाह मेरे को इतना इंफॉर्मेशन है कि हमारे ग्रुप में काफी लोग मैथ्स के टीचर्स हैं, तो थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए। आई वॉन्ट टू मेक इट इंटरक्टिव, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊं। कोई बोल सकते, 20 सेकंड हो गया अभी तक, 212, थैंक यू सो मच। तो 212 जो है आंध्रा में है और 560 किलोमीटर तेलंगाना में है, ओके। अब 772 मतलब 1465 में 772 इधर है, तो महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 700 के आसपास है, जो के 560 तेलंगाना में है और अराउंड 700 महाराष्ट्र में है। तो गोदावरी नदी का सबसे ज्यादा लेंथ जो है अपने महाराष्ट्र में है, ओके। और तेलंगाना जो गोदावरी बेसिन है, ड्रेन किसको बोलते हैं, ड्रेन, ड्रेनेज, ड्रेनेज से ड्रेन है, पानी के बहाव को बोलते हैं ड्रेन, जो बहाव रहता है उसको बोलते हैं। तो जहां जितना गोदावरी नदी बहता ना, उसका जो बहाव रहता गोदावरी बेसिन, वो इंडिया का टोटल ज्योग्राफी का 10% है। इट्स अ वेरी फन फैक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिया का 10% हिस्सा क्या है, गोदावरी नदी का बेसिन है, ठीक है। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जुनूबी हिंद में सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज दरियाए नील, मिस्र में है ये दरियाए नील, जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जिस नदी की कहत साली हुई थी, तो हजरत उमर बोले थे कि अय नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बह रही, मतलब वो एक कहत साली का दौर रहता और तो उसका बहाव नहीं होता और वो खुश्क हो जाता, वो नदी के अंदर खुश्की पैदा हो रही थी, तो आप बोलते कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से बह रही है तो फिर बह जाओ, वरना उमर जो है कुछ सख्त अंदाज में आप, मतलब एक तौहीद के आलम में आप बोलते तो फिर वो नदी बहने शुरू होती। तो इस एक इस्लाम में भी उसकी बड़ी अहमियत है, दरियाए नील इजिप्ट में है, इंडिया की नहीं है। लेकिन द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा, अभी जैसा मैं जिक्र कर रहा था, गंगा, दरियाए गंगा, ठीक है। अब और गोदावरी के कुछ दूसरे नाम भी है, जिसको बोलते वृद्धा गंगा, दक्षिण गंगा, पोइटिक रिवर एंड राइन ऑफ इंडिया। राइन ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि एक राइन रिवर जो है यूरोप में मौजूद है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नदी है, तो इसीलिए गोदावरी ऑल्सो अपीयर्स वेरी ब्यूटीफुल, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, राइन रिवर बोलते। और इस क्यों खूबसूरत है बोलते, एक एरिया है पापी कुंडलू के नाम से, ये भद्राचलम बॉर्डर एरिया है, वहां पर पापी कुंडलू एक प्लेस है जहां पर आप कश्ती में सवार हो सकते हो और पहाड़ियों को देख सकते, और पापी कुंडलू क्या है, गोदावरी नदी के ऊपर है, कुंडा मतलब पहाड़ को बोलते। तो आप जब बोट में से सफर करते हैं तो बिल्कुल आपको नदी, आप नदी में रहते हैं और आसपास में पहाड़ियों का एक सिलसिला रहता है और बिल्कुल हरियाली रहती, तो उस हिसाब से इसको राइन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जैसा यहाँ पर राइन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बात को जहन में रखिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब क्या है, द रिवर आइलैंड, आइलैंड तो आप लोगों को मालूम है ना, आइलैंड जजीरे को बोलते हैं, तो इस नदी का एक जजीरा भी है, ठीक है, गोदावरी नदी में एक जजीरा भी है, वो कहां पर है, तेलंगाना के बडनाकुर्ति निर्मल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि कैसा आइलैंड है ये, रिवर आइलैंड कैसा है आप लोगों को मैप में बताता हूं, वन सेकेंड, ये देखिए
आप लोगों को मैप शो हो रहा होगा, ये गोदावरी नदी है बह रही है और यहाँ पर ये बडाना कुर्ती है, ये जो रेड मार्क है आपका मैप का, ये आपको दिख रहा बडाना कुर्ती बोल के, ये दिख रहा देखिए है ना। और आप देखिए गोल नदी है, देखिए यहाँ पर आसपास में गोल नदी है, कहीं भी जमीन जैसा मिले हुआ की मतलब कहीं भी जजीरे की शक्ल में एक तरीके से यू कैन सी दिस। तो ये बडाना कुर्ती निर्मल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो अब एक मिनट मैं ये काम करता हूँ कि अभी हमारे पास वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं एक और जूम आईडी क्रिएट करता हूँ, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे, 5 से 7 एमसीक्यूज करेंगे कम से कम, जस्ट एक शुरुआत है, आज हम शुरू करेंगे वो, उसका मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन भी शेयर करता हूँ मैं आपकी तिल्ला के लिए। तो मेरे को एक 2 मिनट दीजिए, मैं दूसरी आईडी बनाता हूँ मैं, फिर वी विल ज्वाइन इन दैट मीटिंग। प्लीज बी आप लोग रहिए और मत जाइए, क्योंकि हम अभी कुछ गोदावरी रिवर जो तेलंगाना में उसके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़े, सो वी विल रीड अबाउट इट। तो अब हम लोग हमारे गोदावरी नदी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं पढ़ाया था कि एक आइलैंड है, रिवर आइलैंड, जो कि निर्मल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जिसका नाम है बडाना कुर्ती आइलैंड, ये है ठीक है। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, अब क्या है, गोदावरी टेक्स शेप ऑफ क्रेसेंट। क्रेसेंट मतलब जब आपको चांद नजर आता तो बिल्कुल कैसा रहता, ऐसा बिल्कुल हल्का सा क्रेसेंट, चांद जिसको बोलते हैं ना क्रेसेंट, वो वैसा नजर आता। कहां पर ये चेगोन विलेज लोकेटेड इन बॉर्डर ऑफ जगतियाल एंड पेदापल्ली के बॉर्डर में, बिल्कुल क्रेसेंट की शक्ल इख्तियार करता। एक मामूली बात है, द फर्स्ट प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन गोदावरी, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा सर जी, तो गोदावरी पे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाया गया था उसका नाम है पोचम पाड़ू, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट मतलब एक जगह से पानी उठा के दूसरी जगह डाल के वहां पर महफूज कर दे। पोचम पाड़ू जिसका भी नाम है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ये एक आबपाशी का प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और गोदावरी नदी पे बनने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट है। आई थिंक ये श्री राम सागर निजामबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। तो गोदावरी फॉर्म्स त्रिवेणी संगमम, एक लफ्ज काफी मशहूर है, त्रिवेणी संगमम मतलब तीन नदियां एक जगह मिलती। ये दो नदियां जो है ना गोदावरी के अलावा, ये छोटी नदियां, एक मंजीरा तो दूसरा हरिद्रा, ये कहां मिलते हैं, ये रेंजल मंडल ऑफ निजामबाद डिस्ट्रिक्ट, और कौन से गांव के पास, कंदना कुर्ती विलेज, रेंजल मंडल, छोटा गांव रहता उसके बाद मंडल रहता उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रहता, ठीक है। कंदा कुर्ती विलेज गांव है, उसके ऊपर रेंजल मंडल है, उसके ऊपर निजामबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां पर तीन नदियां एक जगह, त्रिवेणी संगमम बोलते हैं उसको, ठीक है, संगम बोल तो एक जगह मिलन को बोलते, ठीक है। तो गोदावरी क्या करता, बाई ज्वाइनिंग विथ टू रिवर्स, ठीक है, त्रिवेणी संगमम बनता है, टू रिवर्स, सॉरी बाई ज्वाइनिंग विथ टू रिवर्स एंड फॉर्म्स अनदर, अच्छा ये दूसरा त्रिवेणी संगमम है, एक दो दो जगह पर, दिस इज प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है कि दूसरों को काफी डिस्टरबेंस होता, आप लोगों को 1 से 2 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकता, अदरवाइज फिर कुछ दूसरा अकदम उठाना पड़ेगा। सो प्लीज, तो गोदावरी नदी पे दो जगह पर तीन नदियां मिलते, एक जगह जो है निजामबाद डिस्ट्रिक्ट के रेंजल मंडल में, दूसरा जो है भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट कालेश्वरम में, जहां पर गोदावरी के साथ प्राणहिता और सरस्वती मिलते, यहां पर ऊपर मंजीरा और हरिद्रा, ठीक है, ये दो जगह त्रिवेणी संगमम है, ठीक है, याद रखिए त्रिवेणी संगमम मतलब
तीन नदियों के मिलन की जगह। गोदावरी बेसिन इज बाउंड ऑन नॉर्थ बाय अजंत। ये तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोगों को मालूमात रहना जरूरी है, ठीक है, जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा अहम है, तो लेट्स लुक, आप लोग अब गौर करिए। अब हम लोगों के लिए जो अब तक जो पढ़े वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। तो कोर्स ऑफ गोदावरी रिवर, कोर्स ऑफ गोदावरी रिवर्स मतलब कोर्स किसको बोलते, कोर्स मतलब ऐसा ऑनलाइन कोर्स वैसा नहीं है, मतलब इसका जो कोर्स है, बहने का जो कोर्स है, इसका मतलब अमल है, बहाव का जो अमल है वो क्या है, इट ओरिजिनेट्स, मतलब इसका असल जो है त्रयंबकेश्वर नियर नाशिक, ठीक है। नाशिक जो है महाराष्ट्र का एक मशहूर शहर भी है, वहां जो त्रयंबकेश्वर है उस जगह से, वहां से निकलता है, और ब्रह्मगिरी हिल्स है, ये पहाड़ी है ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट मतलब इधर इंडिया, इधर ईस्टर्न घाट, इधर ऐसा रहता ना इंडिया, तो लेफ्ट साइड में वेस्ट रहता, राइट साइड में ईस्टर्न घाट रहता, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इकोलॉजी, जो लोग एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट से इंडिया को कितना फायदा पहुंचता, ईस्टर्न घाट से कितना फायदा पहुंचता, क्योंकि उसके बाद समंदर है, इधर भी समंदर है, इधर जो समंदर है अरेबियन सी है, इधर जो समंदर है वो बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडिया के वो है इंडियन ओशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना लेफ्ट साइड में अरेबियन ओशन है, ठीक है, दरिया। तो ये बात याद रखिए, गोदावरी फ्लोस फ्रॉम महाराष्ट्र एंड एंटर्स इनटू तेलंगाना एट, ये देखिए, कुंदाकूर्ति, निजामबाद के कुंदाकूर्ति में एंटर होता महाराष्ट्र से, क्योंकि निजामबाद एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है निजामबाद इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिनको निजामबाद हैदराबाद से सफर करना है वो लोग महाराष्ट्र के ट्रेन में सफर करते हैं, ताकि वो लोग निजामबाद में उतर सके, तो निजामबाद इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो तेलंगाना से महाराष्ट्र से तेलंगाना में एंटर कहां पर होता, कुंदाकूर्ति नामी शायद ये एक मंडल है, वहां पर एंटर होता है, और फ्लोस थ्रू बासरा इन निर्मल डिस्ट्रिक्ट। तो निजामबाद से निर्मल डिस्ट्रिक्ट, पहले का आदिलाबाद, अभी तो निर्मल एक अलग डिस्ट्रिक्ट है लेकिन पहले आदिलाबाद है, तो निजामबाद से आदिलाबाद में मतलब बासरा निर्मल डिस्ट्रिक्ट में जाता, फिर वहां से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट पोचमपाड़ू, ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वहां पहुंचता। आफ्टर ट्रैवलिंग इन बॉर्डर निर्मल एंड निजामबाद डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहां पर निजामबाद और निर्मल में बहने के बाद वो कहां जाता, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट जाता, लेकिन उसके बाद निजामबाद जगतिल, मतलब निजामबाद के बाद जगतियाल, मंचिरियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम एंड कट अक्रॉस पापी हिल्स फॉर्मिंग द बाइसन गॉड्स एंड एंटर्स इनटू आंध्र प्रदेश ऑफ पोलावरम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक मिनट अगर आप देंगे तो मैं उसका, एक मिनट मैं उसको गूगल में बताऊंगा, मैं सर्च कर रहा हूं, मैं एक मिनट में को दीजिए सिर्फ, तो आप लोगों को और क्लियर होता, ये बताना चाह रहा हूं। मैप तो यह नहीं दिया इसलिए, ये आपको दिख रहा, देखिए मैप, तो ये आपको दिख रहा, ये त्रयंबक हिल्स है, यहां से होते हुए एक जो ऑरेंज कलर में है आप लोगों को, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल, ठीक है, तो अपने महाराष्ट्र से गुजरते हुए तेलंगाना में आ रहा, तो क्या बता रहे हैं हम यहाँ पर कि कहाँ कहाँ से गुजरेंगे है? कि अगर एज पर द डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें तो ये अपने निजामबाद, जगतियाल, मंचिरियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम, उसके बाद यहां से आप पापी कोंडलू हिल्स, जो मैं अभी पहाड़ियों का जिक्र कर रहा था जो खूबसूरत नजर आता वहां, और वहां से आंध्र प्रदेश में एंटर हो जाता पोलावरम में, ये आंध्रा तेलंगाना का बॉर्डर है। और एक खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश में जाने के बाद ये दो डिस्ट्रिक्ट को अलग करता है, ईस्ट गोदावरी जो गोदावरी नदी के मशरिक में वाक है, ईस्ट में है, और ये वेस्ट गोदावरी जो गोदावरी के मगरिब में वाक है। आफ्टर फ्लोइंग ए राजमंड्री इट स्प्लिट्स इनटू फाइव मेजर ब्रांचेस, पांच शाखों में तकसीम होता है, धवलेश्वरम गांव में, मैं यहां पर भी एक बार गया था घूमने के लिए, धवलेश्वरम
ये बहुत खूबसूरत जगह है तो यहाँ पर। और एवरी ब्रांच ज्वाइंस बे ऑफ बंगाल। तो एक खास बात यह है कि नदी जो है एक साथ जाके बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलता, बल्कि पांच शाखों में तकसीम होके वो बे ऑफ बंगाल में मिलता। ठीक है, और क्या है, ब्रांचेस ऑफ गोदावरी, गौतमी भी बोलते, वशिष्ठा, व्यानतेया, तुलिया, भरद्वाजा, ये इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन गोदावरी के बारे में है। अब हम लोग एमसीक्यूज का पढ़ेंगे। ठीक है,